press the bell icon on the YouTube app and never. फिर वो इद्दत में 4 महीना 10 दिन बैठेगी और उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड मुझसे दोबारा निकाह पढ़ेगा. This is called हलाला एंड इद्दत. अब इस बीच में भी इद्दत आता है. तो डेफिनेटली इद्दत में भी, लेकिन एज पर अल कुरान और एज पर इस्लाम, सिर्फ लड़की की जरूरियात का पैसा दिया जाता है. कोई एक मुकर्रर पैसा नहीं होता है कि जैसे हम कोर्ट से जब मेंटेनेंस फाइल करते हैं तो 15,000-20,000 पूरे खर्चे देने पड़ते हैं कि लड़की को यहाँ यहाँ पर खर्च होता है, बच्चे का, डॉक्टर का, सारे स्लिप हम जमा करते हैं एनेक्सर्स में. पहले हम 125 CRPC में फाइल करते थे, पर अब द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के हिसाब से 144 सेक्शन फाइल होगा. 125 नहीं होगा, 144 सेक्शन फाइल होगा. और मेंटेनेंस में हम बच्चों के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम एनेक्सर्स देते हैं, और लड़की के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके एनेक्सर्स विद प्रूफ देते हैं. तो उस हिसाब से 20,000-25,000-30,000 कभी कभी 50,000 कभी कभी 1,00,000 भी मेंटेनेंस अप्रूवल मिलता है एक्सपेंसेस को मद्देनजर रखते हुए. ये मैं हिंदुओं के केसेस के बारे में बता रही हूँ जो अब तक हमारे मुसलमान में नहीं था. अब क्या है कि बिल्कुल जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत के दो निपुण महिलाओं को. एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी दबंग वकील नाज़िला खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी अभी ताज़ा आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पे. तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा. तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद, जय भारत. इद्दत उनका भी होता है जिनका हलाला होता है. अब पहले समझ लीजिए कि हलाला क्या होता है. मान लीजिए कि मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया है, मैंने उसको खाना सही से नहीं बना के दिया, या मैं सही टाइम पर नहीं उठी, या मैं उसके हिसाब से नहीं हूं, तो वो मुझे तलाक गुस्से में दे दिया है. अब उसको 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद उसको फील हो गया कि नहीं वो सही थी, मुझे उसको अपने निगाह में वापस लेना है. तो सबसे पहले घर में ससुर खड़ा होता है हलाला करने के लिए. तो मतलब बहू का निकाह ससुर से होगा और बहू का सेक्सुअल रिलेशनशिप ससुर से होगा, और उसके बाद ससुर साहब वो तलाक देंगे अपनी बहू को. फिर वो इद्दत में 4 महीना 10 दिन बैठेगी, और उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड मुझसे दोबारा निकाह पढ़ेगा. दिस इज कॉल्ड हलाला एंड इद्दत. अब इस बीच में भी इद्दत आता है. तो डेफिनेटली इद्दत में भी, लेकिन एज पर अल कुरान और एज पर इस्लाम, सिर्फ लड़की की जरूरियात का पैसा दिया जाता है. कोई एक मुकर्रर पैसा नहीं होता है कि जैसे हम कोर्ट से जब मेंटेनेंस फाइल करते हैं तो 15,000-20,000 पूरे खर्चे देने पड़ते हैं कि लड़की को यहाँ यहाँ पर खर्च होता है, बच्चे का, डॉक्टर का, सारे स्लिप हम जमा करते हैं एनेक्सर्स में. पहले हम 125 CRPC में फाइल करते थे, पर अब द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के हिसाब से 144 सेक्शन फाइल होगा. 125 नहीं होगा, 144 सेक्शन फाइल होगा. और मेंटेनेंस में हम बच्चों के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम एनेक्सर्स देते हैं, और लड़की के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके एनेक्सर्स विद प्रूफ देते हैं. तो उस हिसाब से 20,000-25,000-30,000 कभी कभी 50,000 कभी कभी 1,00,000 भी मेंटेनेंस अप्रूवल मिलता है एक्सपेंसेस को मद्देनजर रखते हुए. ये मैं हिंदुओं के केसेस के बारे में बता रही हूँ जो अब तक हमारे मुसलमान में नहीं था. अब क्या है कि BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा सेक्शन 144 पर मुसलमान बेटियां जब इन सारे प्रूफ के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में या जज कोर्ट में या पुलिस कोर्ट में अपना मेंटेनेंस फाइल करती है, तो उसके भी एक्सपेंसेस के हिसाब से और बच्चों के एक्सपेंसेस के हिसाब से मेंटेनेंस अप्रूव्ड होगा, जो विथ टाइम बढ़ेगा. मान लीजिए तलाक हुआ है 2024 में, और 2024 में वो बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है, पर 2030 में तो वो बच्चा क्लास 7 चला जाएगा ना, तो फिर क्लास 7-8 के हिसाब से वो मेंटेनेंस बढ़ेगा. इसलिए दर्द जो है वो आप इंडिया अलायंस को बोलिए या MIM को बोलिए या इस्लामिक प्रेचर या क्लेरिक को बोलिए, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू बेटियों को तो इसी हिसाब से मिला है. जैसे जैसे मेंटेनेंस बढ़ा है वैसे वैसे मेंटेनेंस का अप्रूवल
कोर्ट ने बढ़ाया है डिजिट को। अब क्या होता है कि इद्दत के वक्त में मुसलमान बेटियों को उसके खर्च के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अब क्योंकि मुस्लिम मुआशरा जो होता है वो पहले ही इद्दत के वक्त में लड़की बाहर जा नहीं सकती, उसका वो कुछ मेकअप पॉलिश कर नहीं सकती, उसको दबा कुचला करके घर में एक रूम में रखा जाता है, उसको सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है और अल्लाह से माफी मांगनी है, क्योंकि उसका नसीब खराब है जो वो तलाकशुदा हो गई है, उसका नसीब खराब है जो वो विधवा हो गई है। तो 24 घंटे में 12 घंटा तलाकशुदा लड़की का या विधवा लड़की का जानमाज पर गुजर जाता है, जो मेरा गुजर चुका है। आप जो मुझसे बात कर रही है वो मैं अपनी प्रैक्टिकल कहानी बता रही हूं। तो वैसे सिनेरियो में जब 12 घंटा 24 घंटे में आप रो ही रहे हो और जनमास पर ही बैठे हुए हो तो खर्च आएगा कहां से? तो उसी को मद्देनजर रखते हुए दिन भर का 200 रुपए या 300 रुपए या बहुत हद तक तो 500 रुपए हाथ में दिया जाता है लड़की के। तो 4 महीना 10 दिन का 200 का या 300 का एक राउंड फिगर बना करके उसके हाथ में दे दिया जाता है। अब आप बताइए कि जिस लड़की की जिंदगी तलाक पर खत्म हो रही है, जिस लड़की के पूरे अस्तित्व पर तलाकशुदा होने का एक स्टैंप लग रहा है, जिस लड़की की दोबारा कभी मुस्लिम कम्युनिटी में मुआशरे में एक कुंवारे लड़के से शादी नहीं हो सकती है, तलाकशुदा बेटियां मुसलमान कम्युनिटी में जो होती हैं उनके लिए रिश्ता आता है 50, अगर लड़की 18 साल की है तो रिश्ता आता है 50 साल 52 साल 60 साल के आदमी का। मुझे याद है कि मेरा बेटा जैद जब मेरे गोद में 3 महीने का था तो मेरे लिए रिश्ता आया था जिस व्यक्ति की उम्र 67 ईयर्स थी और उसने मेरे पापा को ये बात कही थी कि अब तो इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो 3 टाइम के खाने और ईद बकरीद में 2 जोड़ा कपड़ा के लिए मेरे घर भेज दो निकाह करके। तो मेरे पापा ने उस वक्त कहा था कि मेरी बेटी को शौहर चाहिए, अपने बाप के लिए दोस्त नहीं चाहिए। और तब मेरी फैमिली ने ये तय किया कि पढ़ करके आगे बढ़ जाओ और ये दिमाग से हटा दो, क्योंकि इस कम्युनिटी में तुम्हारे काबिल लड़का तुमको नहीं मिल पाएगा, तुम्हारे बाप की उम्र का तुमको लड़का मिलेगा। तो जिस लड़की की जिंदगी पूरे पूरे हमेशा के लिए खत्म हो जा रही है वो क्या मेंटेनेंस की भी हकदार नहीं है? आप ये सोचो नाजिया जी कि यहां तक दलीलें AIMIM के वो अंग्रेज जो है वही टीवी चैनल पर आज बोल रहे थे कि मेहर भी तो दिया जाता है, मेहर में भी तो रकम दी जाती है, उससे गुजारा कर ले मुस्लिम लड़की, उसको क्या जरूरत है मेंटेनेंस की। तो ये जो मेहर की रकम ही कितनी होती है, क्या लाखों करोड़ों में होती है कि एक महिला आराम से अपनी जिंदगी गुजार ले अपने 5-6 बच्चों के साथ? देखिए अंशु जी, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि MIM असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का जो दिल्ली का प्रवक्ता है वो 9 क्लास पास है, रंगरेज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि उसको सूरह अल काफिरून नहीं पता है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अल कुरान के कई आयते जब मैं ड्यूरिंग डिबेट में जब मैं बोलती हूं तो वो उसको पता नहीं होता है। चौथी बात मैं बोलती हूं कि आज के डिबेट में रंगरेज ने स्पेसिफिकली उस न्यूज चैनल को कहा था कि नाजिया बैठेगी तो MIM का कोई प्रवक्ता नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब है कि वो सटीक जवाब अल कुरान से या हदीस से या शरिया से नहीं दे सकता है, इसलिए वो नाजिया के लिए पहले ही बोल चुका कि नाजिया बैठेगी तो MIM का कोई प्रवक्ता नहीं बैठेगा। अब पांचवी बात आती है कि अभी मैं बॉम्बे में हूं, अगर मैं कोलकाता में होती तो मैं अपना निकाहनामा आपको दिखा देती। 551 रुपए दैन मेहर था, 551 रुपए ये मेहर की रकम थी जी। 2500 रुपए भी दैन मेहर होता है, 1101 रुपए भी दैन मेहर होता है, और वो 551 रुपए भी मुझे नहीं मिला दैन मेहर का, वो भी मुझे नहीं मिला। हालांकि अल कुरान और हदीस के हिसाब से शौहर अपनी बीवी के को सेक्सुअली मतलब क्लोज करने से पहले वो दैन मेहर का पैसा दे देना पड़ता है, लेकिन वो भी वो मुझे नहीं मिला, अब तक भी नहीं मिला और अब तो शायद नहीं मिलेगा। तो दैन मेहर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा एसेट या ऐसी संपत्ति नहीं होती है जिससे एक तलाकशुदा लड़की या एक विधवा मुसलमान लड़की अपनी पूरी जिंदगी चला ले, अपने बच्चों को पाल ले या अपना करियर सेट कर ले आगे के लिए। दैन मेहर कोई ऐसा पैसा नहीं होता है।
आप कभी नहीं सुनी होंगी कि लड़की को देन मेहर में 5 करोड़ रुपए मिल गया या 5 लाख रुपए मिल गया। नो 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 नॉट एट ऑल। मैंने कहा ना कि 551 रुपया मेरा था, 1101 रुपया होता है, 2101 रुपया होता है। मेरी माँ का देन मेहर 1101 रुपए है, आज भी निकाहनामा हमारे पास है। मेरी मम्मी का देन मेहर 1101 रुपए है। अब आप बताइए कि इसमें मेरी माँ का अगर तलाक हो जाता तो क्या वो 3 बेटियों को पाल लेती है 1101 रुपए में? तो ये एक्चुअली में इनके पास सटीक कोई जवाब नहीं है, अप्रोप्रिएट कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये उन लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं जो सही से इनको जवाब दे सके और सही से इनसे सवाल कर सके। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िर अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िर खान जी ने कैसे इस नए कानून के बारे में बताया, अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी बात की, और जैसे कि हमने देखा जब से ये फैसला आया तब से मजहब के जो ठेकेदार हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। तो इस पूरे फैसले के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।